रमज़ान आ चुका है तो मेरी तरफ सबको रमज़ान मुबारक। और आज हम आपको बनाना सिखाएंगे बहुत ही टेस्टी सही है ब्रेड रोल्स। इसके लिए हमने चिकन लिया है तकरीबन 1 kg, उसको मैंने बॉईल करके श्रेड कर लिया था सारे का सारा। अब इसमें मैं डालूंगी सॉल्ट, सॉल्ट हम 1/2 tablespoon ले रहे हैं जिसमें मैं डाल दूँगी। और उसके बाद यहाँ पर हम ऐड करेंगे पेपरिका पाउडर। पेपरिका पाउडर जो है यहाँ पर मैं ऐड कर रही हूँ पूरा 1 tablespoon भर के। ये वाला मैंने पेपरिका पाउडर यूज़ किया है, इसके ज़्यादा मिर्चें नहीं होती इसलिए हमें परेशान नहीं होना। 1/2 tablespoon हम ऐड कर रहे हैं वाइट पेपर, ये मैंने रोज़ पेरवानों के यूज़ की है। आप चाहें तो काली मिर्च का भी इस्तेमाल कर सकते हैं अगर आपके पास सफ़ेद मिर्च नहीं है। सोया सॉस हम यूज़ करेंगे, हाँ मैं शंग्रीला वालों के यूज़ कर रही हूँ, मुझे पता नहीं इनका फ्लेवर ज़्यादा अच्छा लगता है। तो वो हम डाल देंगे 2.5 tablespoon सोया सॉस के। और उसके बाद हम इसके अंदर ऐड करेंगे ब्रेड के पीसेस। अच्छा, यहाँ ब्रेड के जो मैं पीसेस ऐड कर रही हूँ बिल्कुल इस तरह चूरा चूरा करके हम ऐड करेंगे। अगर आप चाहें तो फ्रेशली ब्रेड क्रम्स सॉफ्ट ब्रेड के बना के, यानी ब्रेड को ग्राइंड करके, वो भी आप ऐड कर सकते हैं अगर आपको हाथ से इसको चूरा करना थोड़ा मुश्किल लग रहा होगा तो। किनारों के साथ ही हमने डाला है क्योंकि हम उसको ज़ाया नहीं करेंगे, तो क्रिस्पीनेस का काम करेंगे, तो इसको अच्छे तरीके से हम ऐड कर देंगे। उसके बाद हम इसको अच्छे तरीके से मिक्स कर देंगे, जैसे आप आटा गूंदते हैं ना बिल्कुल उस तरीके से आपने इसको मिक्स करना है। आटा गूंदने वाली फॉर्म इसलिए बता रही हूँ कि तमाम जो जितने भी फ्लेवर्स हैं वो अच्छे तरीके से मिक्स हो जाएंगे सारे के सारे। उसके बाद मैं इसके अंदर ऐड कर रही हूँ केचप। यहाँ मैं चिली सॉस का यूज़ कर रही हूँ, जो साशे मेरे पास पड़े थे मैं उनका इस्तेमाल कर रही हूँ। आप चाहें तो नॉर्मल केचप भी यूज़ कर सकते हैं, तकरीबन मैंने 2 ऐड किए थे। और उसके बाद इसको अच्छे तरीके से मिक्स कर दिया। अगर आप स्पाइसेस ज़्यादा खाते हैं यानी ज़्यादा नमक वगैरह, तो नमक अपने टेस्ट के लिहाज से आप तेज़ कर सकते हैं, क्योंकि इसमें अंडा तो डाला नहीं है तो आप टेस्ट करने के बाद डाल सकते हैं। वन मोर थिंग, आप इसके अंदर जो दरा मिर्च, कुटी हुई लाल मिर्च होती है वो भी ऐड कर सकते हैं अगर आपको मिर्चें ज़्यादा पसंद है। अब इसको चाहे तो आप फ्रीज़ कर दें, लेकिन मैं ये प्रेफर करूँगी कि आप इसको 2 से 3 दिन तक फ्रिज में रखें अगर आपने भी इसको यूज़ नहीं करना, इसके रोल्स नहीं बनाने। ठीक है, तो हमने करना क्या है कि हम इसको इस तरीके से रोल करेंगे हाथों में, क्योंकि हम इंस्टेंटली रेसिपी की तरफ जा रहे हैं तो मैं आप लोगों को बताती हूँ। इसमें अंडा मैंने कुछ नहीं डाला, इसीलिए इसको मिक्स करते हुए, इसकी शेप बनाते हुए थोड़ा सा पानी हाथ में रख लें, जैसे कबाब बनाते हैं बिल्कुल इस तरह, और हम इसको रोल की शेप दे देंगे बिल्कुल इस तरीके से। नेक्स्ट, अब इसकी फ्राइंग प्रोसेस की तरफ आते हैं। तो हमने ब्रेड क्रम्स ले लिए हैं और 2 अंडे मैंने मिक्स कर लिए हैं। आप चाहें इसमें काली मिर्च, नमक डाल सकते हैं, लेकिन मैंने नहीं डाले। और हम इसके अंदर क्या करेंगे, अपने रोल को पहले अंडे के अंदर डिप करेंगे, उसके बाद हम इसको डाल देंगे ब्रेड क्रम्स के अंदर, और ब्रेड क्रम्स अच्छे तरीके से इसको बहुत ही अच्छे तरीके से कोटिंग कर देंगे इसकी। और ये आप रखते जाए, इसको फ्रीज़ कर सकते हैं आप 6 months के लिए, वो भी आप ज़िपलॉक बैग में फ्रीज़ करें। पहले से थोड़ी देर के लिए प्लेट में रख के फ्रीज़ करें, उसके बाद जो है आप इसको रख दें प्लेट से निकाल के ज़िपलॉक बैग में। ठीक है, तो इस तरीके से हम रोल्स बनाते चले जाएंगे, और उसमें आप लोगों को दिखाती हूँ किस तरीके से सारे के सारे रोल्स बन चुके हैं। तो कुछ इस तरह से झटपट हमने सारे रोल्स बना ली हैं। अब इसको फ्राइंग का काम आता है, तो फ्राई आपने इसको डीप फ्राई करने हैं, सॉटे नहीं करना बल्कि डीप फ्राई करना है। तो यहाँ मैंने एक फ्राइंग पैन लिया है, थोड़ा डीप था, उसमें मैंने ढेर सारा ऑयल डाल लिया है, और तेल गरम होने के बाद हम इसको फ्राई करेंगे। सब कुछ कुक्ड है इसमें, इसलिए हमने बस गोल्डन ब्राउन करके इसको निकाल लेना है अल्टा पलटा के, दैट्स इट। और यहाँ आप देख सकते हैं कि हम बारी बारी करके डाल रहे हैं, तेल काफ़ी तेज़ गर्म था, उसके बाद इनको डालते साथ ही मैंने आँच थोड़ी हल्की कर ली। जिन लोगों को शिकायत होती है कि दूसरा बैच जब हम डालते हैं तो हमारे ब्रेड क्रम्स क्योंकि डलते हैं तो वो काले हो जाते हैं, जल जाते हैं, जिसकी वजह से जब दूसरा बैच हम फ्राई करने के लिए डालते हैं तो वो बहुत बहुत जल्दी काले होने लग जाते हैं, ब्राउन गोल्डन ब्राउन होने के बजाय। तो इसका हल ये है कि जब आप इसको फ्राई कर रहे होंगे पहले बैच में, तो उसके बाद आपने तेल की जो तेज़ आँच है उसको हल्का कर लेना है। ठीक है, और उसके बाद इसको हल्की आँच, मतलब कि जो मीडियम से लो फ्लेम होता है उसके ऊपर कर देना, तो तेल नॉर्मल अपनी हीट पर रहेगा और आपके जल्दी से जो काले हो जाते हैं ना ब्रेड क्रम्स की वजह से वो भी नहीं होंगे। बस इसको निकालते जाना है और दे आर रेडी, क्रिस्पी है, खाएं इनको। एक बात ये कि अगर आप इसे 4 घंटे के लिए नहीं खाएंगे तो ये सॉगी हो जाएंगे। तो अगर आपने इसे किसी को सर्व करना है या चाय के साथ खुद खाना है तो फ्रेश खाएं, और फ्रेश ही इसकी क्रिस्पीनेस बरकरार रहती है, वरना ब्रेड होता है तो वो जो है ना ब्रेड क्रम्स की वजह से बहुत ज़्यादा सॉगी हो जाते हैं, बाद में खाने का मज़ा नहीं आता। सो ये भी टिप मैंने आपको बता दी है ना। होप आपको रेसिपी अच्छी लगी होगी। टिल द नेक्स्ट रेसिपी, बाय बाय।